मिलावट क्यों कहता है? बताइए महा मिलावट है कि नहीं है? ये महा मिलावट है कि नहीं है? ये महा मिलावट की महा गिरावट पक्की है कि नहीं है? महा मिलावट की महा गिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं इसे महा मिलावट क्यों न कहूं? अब देखिए एक कैसे कैसे लोग साथ आए। ये किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए। एक किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है, इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पक्ष कटोरेंगे तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का विशाल हृदय देखिए, वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब अम्बेडकर को भू माफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाता है। बहन जी, दलित बस्तियों में दलितों की ही जमीन जिसने कब्जा किया है उनके लिए आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगी? और ये भी मत भूलिए, ये वही शहर है जो डेढ़ दशक तक बहन जी को सद्दाम हुसैन जैसा हत्म करने की धमकी दे रहे। साथियों, महान मिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाना भी मंजूर नहीं है, लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है। वही हमारे बबुआ वो दिन भी भूल गए जहां बहन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करती। साथियों, राजनीति क्या क्या नजर आए, आज आदमी साइकिल पर सवार है, हम निशाने पर चौकीदार है। साथियों, असल में संकट अस्तित्व का है। इसने पहले की सारी गालियां पीछे छूट गई और नारा बन गया, मेरा भी माफ तुम्हारा भी माफ, वरना हो जाएंगे दोनों साथ। भाइयों बहनों, क्या जनता इनको माफ करेगी? क्या इनकी झूठी बातों को स्वीकार करेगी? क्या भाइयों बहनों, जिन्होंने क्या किया है, आप किया आधा, आधा तुम्हारा आधा मेरा, आधा क्या ये हाफ हाफ वालों को उत्तर प्रदेश पूरा साफ कर दे। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें देगा, ये मैं बिल्कुल जर्सी की हवा देख रहा हूं।